उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव को लेकर तमाम सियासी दलों की तैयारी जोरों पर है। बीजेपी में बैठकों का दौर जारी है। आज लखनऊ में भाजपा के सभी मोर्चे की बैठक हुई, जिसमें निकाय चुनाव को लेकर मंथन किया गया। बैठक के बाद प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने कहा कि जब भी हाईकोर्ट का आदेश आता है, हम चुनाव के लिए तैयार हैं और बीजेपी संगठन ने तैयारी पूरी कर ली है। वहीं इरफान सोलंकी के सवाल पर भूपेंद्र चौधरी सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव पर भी हमलावर दिखे। उन्होंने कहा कि सपा में ऐसे ही पदाधिकारी हैं, सपा का समर्थन किसके साथ है वो सभी जानते हैं। एमएलसी के 6 नामों पर अब केंद्र निर्णय लेगा। निर्णय माननीय न्यायालय को करना है और जैसा माननीय उच्च न्यायालय का आदेश होगा, हम अगर चुनाव अभी होता है बहुत जल्दी तो हम प्रत्याशी चयन की प्रक्रिया पूरी करके चुनाव में चले जाएं। और समाजवादी पार्टी के सरकारों के समय जिस प्रकार से अराजकता और पूरे प्रदेश को दंगा प्रदेश बना दिया गया था और तत्कालीन सरकारें दंगाइयों के मुकदमे वापस लेने का, आतंकवादियों के मुकदमे वापस लेने का काम करती थी, तो मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि समाजवादी पार्टी का समर्थन किन लोगों के साथ है।